Was one of the OmniVore first non- uh, founder hire, having been required while uh, still in a business school. So that's great. So, na ek se, Namaskar, sir, Aapka man ke Manch. Par. Uh, so, bahut, bahut yeah. so, sir, uh, since uh, your company is doing like great, I have been uh, touching your uh, uh, things like how you are working with other organizations like StLab. Uh, Gram cover, aqua connects, and all these uh, are some of your branches where you have the links. So, how home now the first question of today is like how omnivore is uh, helping. Apart from this company to basically the farmers in the time of COVID when there is a lot of farmers are having confusion how they will be storing their produce and even in the country when farm bills are uh, and the farmers are very angry with the government what Monday rates and they are fixing. So how you are managing all this thing? So Pritham I'll take a stab at that. Uh, you to introduce Omnivore a venture capital fund. जिसका मतलब ये है हम लोग निवेश करते हैं उन कंपनीज में उन स्टार्टअप्स में जो कि किसानों के हित के लिए नए तकनीकें बना रहे हैं चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई सोल्यूशन हो अ लेकिन आज के नए किसान के लिए आज के किसानों के लिए कोई नई तकनीक जिनसे उनकी आमदनी बढ़े इस तरह की कंपनीज में हम लोग निवेश करती है आप लोगों ने कुछ नाम लिए जैसे स्टेल एप्स स्टेल्स कवर वगैरह इस प्रकार हमारे 26 इन्वेस्टमेंट्स हैं हम लोग 2011 से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में तो हमारा आ, हमारे काम करने का माध्यम इज टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज फिर ये कंपनीज जब ग्रो करेंगी तो ये और फार्मर्स के पास जाती हैं इनके प्रोडक्ट और सर्विस और फार्मर्स उनका लाभ ले पाते हैं उस तरह से ही हम लोग फार्मर के साथ डायरेक्टली रीच कर पाते हैं तो ये हमारा इम्पैक्ट का माध्यम है कि हम लोग निवेश कर रहे हैं कंपनियों में लेकिन वो कंपनियां बन पा रही हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए वो ग्रो कर पा रही हैं कह लीजिए हमारे इन्वेस्टमेंट के सहारे के साथ एंड एज अ रिजल्ट वो जब किसानों तक पहुंचती है किसान उसका जब लाभ उठाते हैं वो आर्थिक लाभ जो है हमें देख के एडिशनली अच्छा लगता है बियॉन्ड एन इन्वेस्टमेंट वो हमारा एक का भी ड्रीम है कि इंडियन फार्मर्स का इनकम इंक्रीज हो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है एग्रीकल्चर की वो बढ़े और कहीं ना कहीं हम लोग और ज्यादा समृद्ध किसान देख पाए इसका अगर और मैं उदाहरण दे, देना चाहूँ तो ऐसा होगा कि आप कह लीजिए मान लीजिए हम

के सेंटर में अपना मिल्क डिपॉजिट कर रहे हों चाहे वो देहात प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए करीब चार लाख किसानों में से हों तो इस प्रकार ये हम एक फंड है जो हमारा करीब डेढ़ सौ मिलियन डॉलर का फंड है और इससे हम लोग इतने दूर आज आज तक आ पाए हैं उम्मीद है कि और आगे जाके हम लोग इसको और काम बढ़ा पाएंगे जब सहयोग रहेगा सबका तो so... रही बात डायरेक्ट फार्मर्स की तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं फार्मिंग में या फार्मर्स के साथ अः uh, लेकिन एक जो चीज जो हमारे कंपनीज को हमने खासकर कोविड के दौरान uh, जैसे ही कोविड हुआ था और लॉकडाउन हुआ था बहुत कंफ्यूजन था एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वन वन एंड हाफ यू नो सप्लाई चेन्स हमारी खराब हो गई थी ट्रक्स बंद थे लॉजिस्टिक्स खराब थी तो हमारी चुनिंदा कंपनियों को हम लोगों ने ग्रांट मुहैया कराया था जो कि इन्वेस्टमेंट से एकदम परे है

सपोर्ट था तो कुछ जो हमारे से कह लीजिए योगदान हो सका एज अ ग्रांट एज अ सपोर्ट ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था लेकिन एक सपोर्ट था कि आप हमारी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज एवं फार्मर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो काम कर सके उस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने योगदान किया था जर्नी विच स्टार्टेड इन टू थाउजेंड इलेवन वेन दी that you wanted to reach all over the peoples and how you were like uh, what were the challenges you feel like for example a new startup or a person who has a dream to do because india is an agriculture country because they also get inspired when they see omnivore and these companies doing so great so for them what you wanted to say like how they can do the, connect to each other so two things there i think the first part of the question is ki what kind of challenges

तो हमने एक एक सब सेक्टर पकड़ा उनको स्टडी किया मान लीजिए फार्म मशीनरी पकड़ा तो चाहे मैंने उसकी स्टडी की सब लोगों से मिले अपना थीसिस बनाया कि हाँ यहाँ पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है सिमिलरली हमने बायोलॉजिकल इनपुट्स में काफी स्टडी किया उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उस टाइम डिजिटल इतना स्ट्रांग नहीं था लेकिन हम लोगों ने कुछ आई ओ टी जो यू नो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस होती है आजकल हार्डवेयर डिवाइसेज होती है उनमें जाके फिर थीसिस बना के फिर हमने इन्वेस्ट किया तो फर्क यही हुआ है कि 2010 से 2015 के बीच में हमारा आउटरीच ज्यादा होता था हम लोग ज्यादा ट्रैवल करते थे हम ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताते थे कि देखो हम लोग इस तरह का कैपिटल है हम आपकी कंपनी नहीं खरीदने आए हैं यू नो सो सो ऑन फोर्थ और उसके बाद आई थिंक इंडिया का जनरल स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मच्योर कर गया बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज बन गए लोकल कंपनीज बन गए ओला उबर जैसी कंपनी आ गई थी जोमेटो आ गई थी तो एक अवेयरनेस बढ़ चुकी थी एंटरप्रेन्योर्स में सो एवर वांटेड टू एटलीस्ट स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर

Uh, ये एक एक बेसिक डिफरेंस हो गया आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दूसरा अगर कोई वर्ड ऑफ एडवाइस या वो है आई थिंक आज एक बहुत एडवांटेजेस टाइम इसीलिए है बिकॉज इफ आई लुक एट द द कंट्री कंट्री आर अबाउट क्लोज टू यू नो अ फ्यू इनक्यूबेटर्स इन टुडे जो लोग अर्ली स्टेज कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं ये लोग प्राइवेट फंडेड है गवर्नमेंट फंडेड है अलग अलग प्रकार के लेकिन इन इनक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से

तो अः uh, मेरा मेरा वही कह रहा होगा लोगों से कि आप पहले जाए अपना जो कस्टमर है अपना जो सोल्यूशन आपके दिमाग में है उसके एक बार पुष्टिकरण करें कि क्या ये चलेगा क्या हम बना सकते हैं क्या इसको हम ले जा सकते हैं मार्केट में और अगर आपके पास अच्छा या अच्छा वैलिडेशन वहां पे आता है इन्वेस्टर्स अपने आप आ जाएंगे तो इन्वेस्टर्स को चेज करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आपका बिजनेस मॉडल फंडामेंटली अच्छा है अगर आप स्केल कर पाते हैं आपका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है इन्वेस्टर्स विल फॉलो

Okay. so that's great like the youth uh, in india like and since we are an agriculture country and since the similar journey we the krishi jagran has also seen like how the 26 year old the company which we are running through so we have also seen the same challenges and how we were from the gram rural sectors to going door to door and connecting to traders association and then still we reached to this level and becoming one of the uh, farmer the brand in the country so very yeah true. very true

उनका उनका फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ या नहीं एनी चेंज वेदर इट इज अ पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज कुछ फर्क पड़ा की वजह से अगर पड़ा तो किस प्रकार का फर्क पड़ा तो वी वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज जब हमने रिजल्ट्स देखे और हमने उसके बारे में लिखा भी है मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ अगर नहीं है तो हम लोगों ने ये देखा कि एक की ट्रेंड जो हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार डिमोनिटाइजेशन के बाद डिजिटल uh, पेमेंट्स लोगों ने अडॉप्ट कर लिए थे ना लाइक like, बहुत तेजी से डिजिटल पेमेंट स्प्रेड हो गए थे इवन रूरल इंडिया में भाई मतलब पंसारी से लेके पनवाड़ी तक पेटीएम था राइट तो वो वाली चीज हम लोगों ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में होते देखा आ, इस इस कह लीजिए लॉकडाउन के जस्ट बाद जब अगस्त सितंबर में यू नो सीजन भी आता है एग्रीकल्चर का टिपिकली सितंबर से बुकिंग चालू हो जाती है अक्टूबर नवंबर में बुआई का टाइम आ जाता है नॉर्थ इंडिया में खासकर तो

हर एक पार्टिसिपेंट चाहे वो किसान हो एग्रीगेटर हो ट्रेडर हो वो कहीं ना कहीं काउंटर पार्टी ढूंढ रहा था ऑनलाइन वो जो डिजिटाइजेशन हम लोगों ने देखा आ, या अडॉप्शन देखा वो बहुत बहुत तेजी से था आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज जो हमारी कंपनीज होप कर रही थी कि हम लोग दो साल में कंप्लीट करेंगे वो छह महीने में हो गया इन टर्म्स ऑफ देर यूजर बेसिस इन टर्म्स ऑफ द पीपल दे है वो एक बहुत पॉजिटिव टेलविंड था आई थिंक सेक्टर के लिए दो कोविड की हजार परेशानी और हैं हम सब लोग जूझ रहे हैं उससे लेकिन कृषि खासकर टेक्नोलॉजी वाइज जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एडवांटेज ये रहा है। दूसरा जो हम लोगों ने चेंज ये देखा है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर बहुत रेजिलियंट है आ, इस चीज की पुष्टि हो गई है लाइक ये एक ये एक रिसेशन प्रूफ सेक्टर है ये एक प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे नीड हमेशा रहेगी लाइक like, एक डिमांड हमेशा रहेगा एक सप्लाई हमेशा रहेगी वो चीज प्रूव हो गया है तो जैसे हॉस्पिटैलिटी को हमने देखा या फिर हम लोगों ने यू uh, नो you know, कितने सारे सेक्टर्स एजुकेशन को देखा कि उसको पूरी तरह से चेंज करना पड़ा लेकिन एजुकेशन बंद नहीं हुआ हेल्थ केयर बंद नहीं हुआ इस तरह एग्रीकल्चर एंड फूड बंद नहीं हुआ हॉस्पिटैलिटी बंद हो गया था एविएशन इंडस्ट्री बंद हो गई थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बंद हो गई थी राइट right? लेकिन ये ये जो सेक्टर का है आई थिंक वो एक और रियलाइजेशन जो हम हम सब लोग सेक्टर में काम करते हैं हमको आया कि हाँ चाहे कोविड हो चाहे कोई और आगे जाके कल को कठिनाई आएगी फार्मर्स विल कंटिन्यू ग्रोइंग प्रोसेसर्स विल प्रोसेस कंज्यूमर्स विल कंज्यूम तो इसको हम कैसे और एफिशिएंट बना सकते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आई थिंक वहां पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सारी ओके सर सो Do, do you think, sir, ki, that the prime minister what has insisted, like this sector needs to be atmanirbhar? Like because from your words, it's already sounds that it's atmanirbhar beforehand. What prime minister is, say, is saying to go for an atmanirbhar and the funds which has been released to most, like even Nirmala Raman told the so many schemes and uh, these things. So do you see somewhere that these sector also needs an atmanirbhar or beforehand also from the time of independence of India, these sectors were. Already, atmanirbhar and self-sufficient to do. So, I mean, hard. one could one could really misconstrue it either way, right? I mean, Atmanirbar is is of course is more a a directional uh, statement, right? Given by the Honorable PM. Um, I think what we need to see for the space is how do we make even our smaller farmers more profitable, or how do we include them in the market dynamics? See that the larger farmers. और इट हैपन्स विद एवरी इंडस्ट्री नॉट जस्ट एग्रीकल्चर जो बड़ा है उसके पास एक्सेस ज्यादा रहता है राइट मार्केट का इन्फॉर्मेशन का कैपिटल का सो द पॉइंट इज हाउ डू यू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हाउ डू यू डेमोक्रेसाइज डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू कैपिटल और ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास इंडिविजुअल फार्मर लेवल डेटा पॉइंट हो राइट right? अगर आपको धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट इयर्स इयर्स ये है, तो bank, आप उनको और इजीली लोन मुहैया करा पाएंगे right? NBFC, आप और, पाएंगे, भाई इनका ये रहा है, और वे वो इस ट्रेडर को या इस मार्केट प्लेस में बेचते हैं तो उनका एक कह लीजिए क्रेडिट साइकिल आपको पता चल जाएगा आप और मैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं हमारा एक yeah. कहीं ना कहीं क्रेडिट प्रोफाइल बनता रहता है इसीलिए बैंक बोलता है कि हाँ जी मिस्टर शुभदीप हम आपको इतने का लोन दे देंगे हमारे अनुमान बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है लगेगा, कुछ गलतियां होंगी लेकिन बन सकता है तो पॉइंट इज की आत्मनिर्भरता इज नॉट समथिंग जो ओवरनाइट आती है राइट right? वो एक डायरेक्शनल चीज है कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत पड़ती है उस तरफ तो एज लॉन्ग एज वी आर टेकिंग दो I think we will only improve uh, with time. 100% कब होगा? I honestly don't know. Yeah. और मेरा काम भी नहीं है. But I think uh, continuous improvement is something we can definitely look forward to. Yeah. So sir, you told like um, आपने कहा कि मतलब कि the farmer will get benefits और उनके benefit की बात की जाती है. Even the Prime Minister, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं. पर हाउ डू यू सी द न्यू फार्म लॉ विल बी बेनिफिटिंग दीज फार्मर्स बिकॉज जब आप देखते हैं न्यूज चैनल कोई भी उठाकर आप देखे या किसी किसानों से हम मिलते हैं तो उनसे बात अगर हम करते हैं तो उनको यही दुख दर्द दिखता है कि जो एम एस पी रेट है एपीएमसी है और इवन जो मंडी में हो रहा है मिडिल मैन को खत्म करना हम डायरेक्ट बेचे तो कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा नहीं रहा तो हाउ डू यू एस एन इंडस्ट्री सी दैट दीज लॉज विल बी बेनिफिटिंग द फार्मर्स आई थिंक ट्रस्ट we are, we are right? in so, डिफिजिट right रहा है बट अगर आप इन बिल्स को और इन लॉस को सीरियसली इवेलुएट करेंगे तो कहीं पे भी हम लोगों ने जितनी बात की भी है

के साथ काम कर सकते हैं देश में काम कर सकते हैं विदेश में काम कर सकते हैं कोई आप पे रोक नहीं है टैक्स दीजिए काम करिए राइट बट फॉर द फार्मर उसको उसी लोकल मंडी में बेचना अनिवार्य था और लोकल मंडी में उन्हीं चार लोगों के पास बेचना अनिवार्य था मान वहां पे रिलेशनशिप है मान लिया उनका मान लीजिए पुराना क्रेडिट चलता आता होगा लेकिन अभी के रूल्स ब्रॉडली यही कह रहे हैं कि बॉस एनी बडी कैन गो एंड वर्क विद फार्मर जरूरी नहीं है कि मंडी बिकम्स द ओनली चैनल अगर मंडी एफिशिएंट हो तो मंडी के पास क्यों नहीं जाएगा तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये 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 इस तरह का कैटेलिटिक इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि मंडिस भी धीरे-धीरे एफिशिएंट हो जाएंगी वो भी सर्विस देंगी किसान के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है वो भी प्रोवाइड करेंगी चाहे वो क्वालिटी असेसमेंट हो अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो टाइम पे पैसा हो सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स द मंडिस विल ओनली इंप्रूव सो स्पिरिट तो हमें यही देखना है कह लीजिए इस बिल्स का रही बात की अभी जो डिसेंट है फार्मर्स में आई थिंक कहीं ना कहीं यू आर राइट कम्युनिकेशन डिस्ट्रस्ट वाला एंगल जरूर है दूसरा ये भी हो जाता है कि अगर आप देखें तो ये ये लॉज जो इम्पैक्ट कर रही है वो लार्जली नॉर्थ इंडिया के दो या तीन स्टेट्स को ही इम्पैक्ट कर रही हैं और उनमें भी कुछ चुनिंदा फसलों को इम्पैक्ट कर रही है वॉट वी आर ट्राइंग टू से इज लाइफ स्टॉक मिल्क जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रॉप है टेक्निकली देखा जाए बाय वैल्यू ठीक है

यू you नो know, हमेशा दो या तीन विचारधाराएं तो होती हैं अब उससे किसी yeah. एक चीज को सही या गलत नहीं कह सकते जब तक वक्त नहीं देंगे आप till you don't give it one or two seasons like these uh, these announcements happened in October right? September October and arrivals is now right so when the when the grain arrivals happened this time in some mandis people saw that arrivals were coming there was some mandis which reported less arrivals because people were also selling to outsiders but uh, if you're an efficient mandi Then, uh, then i think arrivals will also come so the point is we have to give it some time before we you know go out there and make a conclusion that's my only submission okay so that means like even the farmer has to understand somewhere that go and he has he also has to see whether this works or not because the, when we see and talk to them they told that they have come with a six month of ration and they will start farming at india gate or the mp house so still the farmer there are something we can say there are some parties or so the party ideology is there I, so that is fine i think in a democracy there will always be different thoughts and i think that is healthy

जिनको अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कह लीजिए जस्ट एक साल पुरानी है राइट right? कुछ कंपनीज है जो जस्ट छह महीने पहले स्टार्ट हुई मतलब तो लिटरली कोविड के साथ ही वो लोग जन्म लिए हैं। तो ऐसी कुछ कंपनीज में क्या हो जा रहा है कि जो की एक लाइफ स्टॉक

so they've been able to figure out ki achha, remote onboard kare farmers koonkotrain kare, apne staff ko kis hum log remotely manage kare. so i think that is one critical uh, difference which i would think between founders who started pre-covid and are post-covid. so sir, my question also would be, sir, any of the things like you are doing in india. so is the similar pattern also followed in the uh, superpower countries like us, china, russia, the same thing you see?

which is typically, you know, America, South America, Australia, Canada, uh, some parts of Europe, right? Where, you know, a farmer has 4,000 hectares, 5,000 hectares. So, to mechanization toh 1970s in the 1970s, right? Tractors, they were running 1970s, se chala rahe the, automated right. tractors 2000 running So, that kind of technology was there. But the challenge was you could not import that technology to India or to any smallholder country, smallholder farmer country, Right. दुनिया में अगर आप देखें सत्तर प्रतिशत जो खेती है स्मॉल होल्डर करता है राइट सेवेंटी परसेंट ऑफ द लैंड इज मैनेज बाय स्मॉल होल्डर फार्मर्स अक्रॉस द ग्लोब तो उनके लिए इनोवेट करना चाहे वो अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हो चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो चाहे वो इंडिया हो एंड इंडिया में एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको हर एक तरह का जोग्राफी मिल जाता है हर एक तरह का क्लाइमेट मिल जाता है और बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाता है टू एक्चुअली बिल्ड सोल्यूशन तो हम तो लोगों ने जो देखा कि वाइल एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक उबर बना था यूएस में हमने यहाँ पे एक ओला बना लिया ओला बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे फाउंडर्स को लेकिन कही कहीं कहीं ना मॉडल सिमिलर है तो उस तरह का हमें कह लीजिए मॉडल्स नहीं इतना दिखता बिकॉज आपको यहीं के लिए बिल्ड करना होता है चाहे वो आप एक वेटनरी सर्विस बिल्ड करें ठीक है एक ऑनलाइन वेटनरी सर्विस जिस तरह आज आपको अर्बन कंपनी मिल जाती है कि भाई आपने हायर कर लिया कोई आया इलेक्ट्रीशियन आपका काम करके चला गया शहरों में अगर किसान को

Right, so we now Ecuador, which is in South America, like somewhere, we have like major of our businesses in Ecuador. Then we again restarted India also. Now India has also picked up well, right? But four years ago, India had ready, right? Now it is. So you never know when a small order innovation will move to which market right? Similarly, Kenya, I'm a huge portfolio Um and, and we're seeing that thing turn out that not necessarily India restricted, as a founder, if you think, you course smallholder globally a market hai, to address that. Okay, sir. Yeah. So coming to the question, like how a pre and a post-COVID analysis of the agri-tech scenario in India, like from a both, I mean a both from a government, if you can tell, perspective, or from an, your industry perspective? Like, how do you see agri-tech scenario? So, one thing which again, as I touched upon earlier, was the fact that there will be more.

मोबाइल फोन चलाना जानते हैं राइट तो वो एक ट्रांजिशन yeah. आ जा रहा है अभी तो मैं देख जाता है कि दुकान में जो जो फादर थे कह लीजिए या ग्रैंड फादर थे जो साठ पैंसठ साल के दंपत्ती हैं दुकान चला रहे हैं वो शायद उतने कन्वर्सेंट नहीं है लेकिन उनका जो तो बच्चा है वो उड़ान चला रहा है राइट yeah. उड़ान ऐप यूज कर रहा है कह लीजिए सो आई थिंक दैट ट्रांजिशन वी आर इन एग्रीकल्चर ऑल्सो इट विल टेक स्लाइटली लॉन्गर इन एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया में एक समान नहीं है कहीं का किसान थोड़ा ज्यादा समृद्ध है कहीं का नहीं है तो वक्त ज्यादा करने में लेकिन डायरेक्शनली हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं कि सबको देखिए एंड ऑफ दूशन आते हैं तो अडोप्शन तो आएगा ही सर सर डोंट यू थिंक एज एन इंडस्ट्री कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन द कोविड वाज लाइकली मतलब काफी खराब हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट इवन 19th डे ऑफ द प्रोटेस्ट and two days before hmm. uh, we see the onion, onion price, johann bangladesh uh, export the even other countries, they are not uh, 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 doing well in the countries. so even the price, which was 52 rupees kg, now 18.5 rupees per kg, as stated by economic times also. Though, so Correct. don't you see the where, uh, somewhere, farmers are also not able to give them to the industry or they are,

द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई उसको अगर आप कम करते जाए तब ये तरह ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये कम होंगी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल है अगर आप आज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज अगर मैं देखूं 90 यूज होता है आलू प्याज के लिए राइट और शायद थोड़ा बहुत अंगूर भाई बाकी इतने सारे पेरिशेबल्स है उनका तो कुछ है नहीं सेकेंडली इंपॉर्टेंस आ जाती है प्रोसेसिंग की जो आज की डेट में हमारा बहुत ही क्लस्टर्ड प्रोसेसिंग है हम लोग जनरली सब कुछ फ्रेश कंज्यूम करते हैं एज अ कंट्री

होते जा रहे हैं रिटेल सेक्टर भी बढ़ रहा है अगर आप बिग बाजार से खरीदारी करते हैं अभी आप बिग बास्केट से खरीदारी करते हैं तो ग्रेडेड आती हैं चीजें सॉर्टेड आती हैं चीजें बेसिक सब्जी भी राइट right? right. तो उस तरफ तो बढ़ ही रहे हैं हम आई थिंक एक और चीज जो है वक्त बहुत लगता है बिकॉज एग्रीकल्चरल सीजनल है एग्रीकल्चरल रीजनल है राइट इट इज नॉट सब्जेक्ट जो सिर्फ सेंटर ने बोला और हो गया स्टेट्स देयर ओन से एंड राइटफुली सो um i think we don't really talk about the positives in the in the space right we only focus on and I, we can understand as a as a you know countryman mera mera bhi vedna jo hai vedna se judti hai jaake right so we need to talk about success stories as well and i'm very happy that you guys are also focusing on on some bit of that yeah even the krishi jagran also promote the farmers who are doing the success story like how they started yes, yes, there is a yes, program yes. we also organize like every sunday i think Uh, like women farmers what they are doing what uh, uh, like uh, one month ago we organized with a thousand farmers on a one platform sharing their own experience wow. and the things how they are becoming as a brand like customers can go and directly purchase from a pass uh, from them so even we are working on them so how to empower them because actually very their true, empowerment their empowerment will definitely will uh, giving the boost in GDP and all industries also. So very yeah, true. I think I think FPOs also becoming another important, you know, right now in theory, you know, we have so many FPOs, but in practice, only few of them are successful. I think yeah. a lot can be done, and and I think policy also is thinking around that. But I think there's a lot the private sector can also do in in time in in times of like supporting these FPOs, so that tomorrow they can become a very solid procurement base, right? For for anyone who is processing or exporting or you know even doing domestic trade. Yes, and sir, uh, the last question like uh, uh, to, for today was like, how do you see omnivore as coming in a future? What are your future plans? So, I mean, our our fundamental thing, as I again in the beginning said, that we are a we are a venture capital fund. Our our intention is to look out to promote the whole startup agri tech startup ecosystem. If we can work in scaling, you know. 10, 15, 20 more such companies. today we have made 25 investments. our goal would be to make, you know, uh, at least 10 more investments in the next year, year and a half. and after that, we will go out and raise another fund and hopefully continue doing the same thing, but at a bigger scale. right, today our companies are maybe working with one crore farmers uh, overall. we'd like to see that number become two crores, three crores, four crores, and maybe take kind of, you know, um, an india plus plus approach as well where we can talk about smallholder farmers and innovations required for them and how private sector capital can help in building some of that so we're a small participant but we we think that we can help in building much more for this space and get more and more funds and more and more entrepreneurs excited to come into the space okay, that yes. would be i think our service to to the space